हमीरपुर जिले के सुजैनपुर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सुजैनपुर में युवक की लाश मिली है। मृतक सुजैनपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला था। मृतक का नाम सागर बताया जा रहा है और उसके पिता सुजैनपुर में एक छोटी सी दुकान करते हैं। वहीं मृतक सागर नाम का युवक नौकरी के साथ साथ सुजैनपुर कॉलेज में पढ़ाई करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और युवक की मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। SP अजीत सिंह ठाकुर ने फोन पर बताया कि मृतक का शव वर्षा सालका के अंदर मिला है और पुलिस ने शव और शव के साथ रखे हुए बैग को बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और उसके बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। हमीरपुर के शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान हमीरपुर बाजार से भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शिव मंदिर से आरंभ हुई और बोटा चौक से होते हुए पूरे हमीरपुर शहर की परिक्रमा करते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची। गणपति बप्पा मोर्य के नारों के साथ सारा हमीरपुर शहर भक्ति रस से सरोवर नजर आया। इस मौके पर गणपति बप्पा मोर्य कमेटी के सदस्य सौरभ सोनी ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर सबको बधाई दी और कहा कि गणेश उत्सव हमीरपुर के शिव मंदिर में 2 से 10 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर शाम को भव्य आरती की जाएगी और 11 सितंबर को नादौन की ब्यास नदी में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों को इस उत्सव में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने का आग्रह किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरेड़ी में जिला स्तरीय अंडर 19 लड़कों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक कमलेश कुमारी ने किया। प्रतियोगिता में जिला के 6 खंडों टौणी देवी, भोरंज, हमीरपुर, बिजड़ी, नादौन, सुजैनपुर के 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेलों में भाग लेने की शपथ दिलाई तो छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। सहायक जिला खेल अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और जिला स्तर पर अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को कुल्लू में राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा। विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की प्रगति समीक्षा को लेकर मंडे मीटिंग हमीर भवन में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, SDM डॉक्टर चिरंजी लाल, सहायक आयुक्त उपायुक्त राजकिशन के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर को हमीरपुर शहर में स्थित सभी पार्कों को विकसित करने, शहर में मुख्य स्थानों पर स्वच्छता को लेकर साइनेज बोर्ड स्थापित करने तथा नगर परिषद के हर वार्ड में पार्क का निर्माण करने के निर्देश दिए। शहर में रेडी फड़ी तथा अन्य कारोबारियों द्वारा अपने सामान को बेचने को लेकर सड़क तथा नालियों के ऊपर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। शहर में स्थायी व्यवस्था की और विशेष ध्यान दें तथा सभी स्ट्रीट लाइटें सही दिशा में हों, इसकी भी नियमित रूप से चेकिंग करना सुनिश्चित करें। शहर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की तादाद को नियंत्रित करने के लिए पशुपालन विभाग के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिला में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग आवश्यक कदम उठाए, इसके लिए अधिक से अधिक महिला मंडलों को जोड़ने के प्रयास किए जाएं। APMC शहर में गांधी चौक के पास ट्राला स्टैंड या अन्य किसी उपयुक्त स्थान का चयन करें ताकि सप्ताह में 2 दिन सोमवार तथा वीरवार को जिला के स्वयं सहायता समूह तथा अन्य किसान लोग स्थानीय तौर पर तैयार उत्पादों को बेच सकें। LDM को शहर में स्थापित सभी ATM के अंदर तथा बाहर भी कैमरे स्थापित करने को कहा गया। BFSC ये सुनिश्चित करे कि सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगे हों तथा शौचालय सही दशा में हो। सभी राशन के डिपो में खाद्यान्नों के समुचित भंडारण तथा गुणवत्ता की भी नियमित रूप से चेकिंग की जाए। इसी प्रकार CMO जिला में सभी सरकारी तथा निजी अल्ट्रासाउंड
क्लिनिकों की नियमित चेकिंग करें तथा यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला में दुकानों, ढाबों तथा अन्य संस्थानों की नियमित चेकिंग करें। स्थानीय स्तर पर तथा बाहर से आने वाली सब्जियों तथा फलों में केमिकल कंटेंट मात्रा को लेकर नियमित रूप से जांच करें तथा गड़बड़ी पाए जाने पर सैंपल भरे जाएं। जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण तथा मरम्मत को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आईपीएच विभाग जिला में सभी पेयजल योजनाओं से समुचित व स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 8 से 15 सितंबर तक एक अभियान चलाकर जिला के सभी स्कूलों में स्थापित पेयजल टंकियों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार प्रत्येक विभाग भी अपने अपने कार्यालय में स्थापित पेयजल टंकियों की सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। परियोजना अधिकारी DRDA को भी जिला की सभी पंचायतों में एक विशेष अभियान के तहत पेयजल टंकियों की सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि प्राइवेट बसों को लेकर आम लोगों की शिकायत है कि ये बसें हमीरपुर बस स्टैंड से अणु तक बहुत ही धीमी गति से चलती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन बसों में चालक तथा परिचालक वर्दी भी नहीं पहनते हैं। उन्होंने RTO को निर्देश दिए कि वे ऐसे प्राइवेट बस चालकों का चलान करें। उन्होंने कहा कि अधिकतम 2 बार चलान करने के बाद न मानने पर ऐसे बस चालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या बढ़ाने तथा ई रिक्शा चलाने की संभावनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त वन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अन्य विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।